देखिए, जो गोल वर्ड है इसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी वीक है, तो उसको गोल वर्ड यूज करना ठीक नहीं है. अगर हम ऑप्टिमम पे फंक्शन कर रहे हैं, जो कि हमें करना है, और ऑप्टिमम पे हम लोग तभी फंक्शन करेंगे जब हम अपने ब्रेन को हम लोग वो इनपुट देंगे, वो डेटा देंगे कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, और वो हमारे अंदर हिडन है, तो उसे हमें जस्ट एक्सप्रेस करना है. कि सपोज कीजिए कि ठीक है, सपोज हमें करना है कि हम लोग की जो ये जो लाइफ है ये बेस्ट है, और हमें जो भी अचीव करना है इसी लाइफ टाइम में सब कुछ अचीव कर लेना है. सो इन सब, ये सारे बैरियर को साइड में करके आपको जैसे मतलब देखिए, जैसे हम लोग अगर टाइम के साथ हम लोग की सक्सेस ग्रो कर रही है, तो हम लोग की जो बिगेस्ट सक्सेस होगी, मतलब हम लोग किसी भी चीज को सक्सेस बोल सकते हैं. अगर हमारी हैप्पीनेस बढ़ रही है तो हमारी सक्सेस बढ़ रही है. अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है तो वी आर गेटिंग, मतलब हमारी जो सक्सेस है, आर सक्सेस इज गेटिंग बिगर. अगर हमारी पीस लेवल बढ़ रही है तो हम लोग हमारी सक्सेस बढ़ रही है, तो हम लोग उसको सक्सेस के को हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं. तो अगर हम लोग टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो हमारी जो हाईएस्ट सक्सेस होगी वो तब होगी जब हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज में होंगे, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट से हम लोग हमेशा ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं. ठीक ऐसे जैसे ये यूनिवर्स इवॉल्व कर रहा है, तो इस यूनिवर्स तो हमेशा इवॉल्व करता रहेगा. उसकी लाइफ तो इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट है. हमारी लाइफ तो इन्फिनाइट नहीं है, हम लोग तो एक सर्टेन फेज तक है. तो बस सारे ब्लॉक्स को हटा के वॉट इज हाइएस्ट पॉसिबल वो आपको 10th पे लिख देना है. और आपको अगर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता हो तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं. फिर अगर आपको लगता है कि जो आप लिख रहे हैं दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब अब आप ठीक जा रहे हैं. देन जब हम लोग ठीक, तब हम लोग उस फ्रिक्वेंसी पे जा पा रहे हैं जहां हमें जाना है. हमें उसकी प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि दैट इज द 10th. प्रैक्टिकलिटी को देखेंगे जब हम लोग 1, 2, 3 पे जाएंगे, तब प्रैक्टिकलिटी को देखना है. क्योंकि अगर हम लोग किसी भी तरह की लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग यूनिवर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर डाउट कर रहे हैं, गॉड के ऊपर डाउट कर रहे हैं. सो दैट इज सिन, मतलब मेरे हिसाब से दैट इज सिन, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए. और देखिए, जो होता है ना कि हम लोग को मंजिल का, हम लोग को जैसे हम लोग हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग होती है या होनी चाहिए, हम लोग को किसी ना कहीं कहीं पहुंचने को एंजॉय नहीं करना है. ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे हम लोग कोई कुछ बन गए उसको एंजॉय करना है. द प्रोसेस, द पाथ हैज टू बी ब्यूटीफुल. जो हम लोग का जो रास्ता है ना, मतलब हमें ना खूबसूरत मंजिल नहीं चुनना है, हमें खूबसूरत रास्ता चुनना है. खूबसूरत मंजिल जैसी कोई चीज नहीं होती है, खूबसूरत रास्ता होता है. अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल भी खूबसूरत होगी. अगर रास्ता अगली है तो फिर होप आप लोग समझ पा रहे हैं. एक वर्ड है दैट इज, जिसको बोलते हैं स्वधर्म. मतलब कि स्वधर्म का मतलब ये होता है ना कि हमें लाइफ में उस रास्ते पे चलना चाहिए जो हमारा पाथ है, दैट इज कॉल्ड स्वधर्म. जैसे अभी हम लोग की जो सोसाइटी है ना वो ऑफ ट्रैक है, क्योंकि हम लोग की सोसाइटी ऑफ ट्रैक इसलिए जा रही है ना क्योंकि दैट इज ड्रिवन बाय द पॉलिटिशियंस. तो ठीक है, हम लोग देखिए, हम लोग अभी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते, या अगर हम लोग सोसाइटी के लिए बेस्ट जो कुछ कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. हम लोग अपनी पर्सनल सक्सेस को इनहांस करके, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देके, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जिन भी लोगों से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, मतलब अगर इस यूनिवर्स के छोटे से हिस्से को हम लोग हील कर रहे हैं, अगर हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट दिस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस कम्युनिटी, इन दिस सोसाइटी. जब इनिशियल टाइम था अराउंड मेरी लाइफ का 2010 और ये सब फेज था 2009 2011, जब ये मेरी लाइफ का फेज था ना, ये जब हम लोग अपने करियर का डिसीजन लेते हैं तो वो हम लोग की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है. हम लोग अपने जब करियर का डिसीजन लेते हैं तो हम लोग की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि हम लोग का जो करियर होता है ना दैट इज जस्ट लाइक अ मैरिज. जैसे मैरिज है वैसे करियर है, क्योंकि जैसे मैरिज अगर हम लोग करते हैं तो ठीक है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो ठीक है, मतलब कई केसेस में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि टिल द लास्ट ब्रेथ हमें उसको सस्टेन करना है. ठीक उसी तरीके से करियर के साथ भी ऐसा ही होता है. बहुत से लोग चेंज करते हैं बट दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच. जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे हम लोग ना वर्ड्स देखिए, जैसे हम लोग जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं ना, ये सारे अनकॉन्शियसली आते हैं. कुछ हम लोग ना, मतलब एक उसको मैं बोलता हूँ जीरो माइंड लिविंग, तो सब ये यूनिवर्स भेजता है वर्ड्स कि ठीक है ये वर्ड्स यूज करो, वो वर्ड्स यूज करो. तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज,
तो सेलिब्रिटीज वर्ड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब लोग अनकॉन्सियसली उस सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ये सोचो कि क्या ऐसा कोई सेलिब्रिटीज है जिसने अपना करियर चेंज किया हो, यस या नो? क्या ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसने 10 साल ये किया और फिर कहा कि नहीं जी अब तो मेरा मन भर गया, अब मैं करियर चेंज करता हूँ, यस या नो? कुछ भी नाम लेते हैं, MS धोनी, विराट कोहली, कुछ भी, वो लोग ठीक है उनके लाइफ में नए डायमेंशन ओपन हो जाते हैं, वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो बिजनेस ओनर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली, वो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो बेस्ट माइंडसेट हम लोग को उसी को फॉलो करना है। फाइन, तो जो मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसे कोई मेंटर नहीं था जो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए था कि नहीं तुम डिसीजन लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे ना अपनी जर्नी पूरा नेचर के सहारे करनी पड़ी है, इसलिए मैं नेचर को थोड़ा सा बेहतर समझता हूँ। तो एक डिसीजन लेना था कि जो मेरा जो डिसीजन है वो सही है कि गलत है, क्योंकि करियर का डिसीजन था, करियर मतलब लाइक मैरिज। तो वहां पे मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया जो एक गीता का फॉर्मूला आप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जो ये कहता है कि हम लोग को अपनी लाइफ में ना अपने स्वधर्म को फॉलो करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब कि हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जो हमारा पाथ है। जैसे जो अगर हम लोग गीता कंटेक्स्ट में बात करें तो जो अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा ना धर्म है युद्ध करना। तो अर्जुन कहते नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनों को मार के ऐसी सत्ता या ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या, मैं तो अब ध्यान करना चाहता हूँ, मैं तो अब संत बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि देखो तुम वो तुम्हारे DNA में नहीं है, वो तुम्हारे ब्लड में नहीं है, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम जंगल में भी जाके ना तुम चिड़िया मारोगे, तो तुम भागो मत। सो दैट इज कॉल्ड द स्वधर्म। तो हम सबको ना अपना स्वधर्म ढूंढना होता है, और एक बार अगर हमने अपना स्वधर्म ढूंढ लिया तो उसकी ब्यूटी है ना कि जो मतलब वो स्टेटमेंट वहीं से आता है कि अगर आप स्वधर्म के रास्ते पे चलते हो तो असफल आप चाह के भी नहीं हो सकते हो, और अगर आप परधर्म के रास्ते पे चलते हो तो कितनी भी कोशिश कर लो आप कभी भी सफल नहीं होगे। तो जब मैं इस रास्ते पे चलना शुरू किया था ना तो मेरी सक्सेस तभी से इंश्योर हो गई थी, इसलिए मेरे अंदर कोई फियर या कोई डर नहीं रहता है। स्वधर्म का मतलब हम लोग को उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जो हमारे हम लोग के सोसाइटी के जो इल एलिमेंट्स हैं वो हम लोग को सिखाते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म, ये स्वधर्म परधर्म नहीं होता है। स्वधर्म का मतलब कि हम वो करें जो करने के लिए हमने जन्म लिया है, जो करने में हम अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं, जो करने में मतलब हम खो जाते हैं, हमारी लाइफ मेडिटेटिव हो जाती है। जैसे देखिए जो मेरा जो ठीक है जो सोसाइटी ने मुझे दिया था, जो मेरे पेरेंट्स या सोसाइटी ने मुझे जिस पाथ पे पुश करने की कोशिश किया था वो इंजीनियरिंग का पाथ था, जो कि मेरा स्वधर्म नहीं था क्योंकि ठीक है मेरी पर्सनैलिटी उसे मैच नहीं करती थी। जैसे मेरी जो पर्सनैलिटी थी मतलब जैसे इसका मतलब मेन जो मैं वो फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोग अपने को भी इसी तरीके से ढूंढिए जैसे मैंने अपने आप को ढूंढा। मेरी पर्सनैलिटी थी साइकोलॉजी की, लोगों को समझने की, एनर्जी को रीड करने की, और जो एक इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल एक अलग डायनेमिक्स है, बिल्कुल वहां पे एक अलग पर्सनैलिटी चाहिए होती है। तो जब मुझे लगा कि नहीं ठीक है मैं अपने स्वधर्म पे चल रहा हूँ तो मेरा वो फियर खत्म हो गया, मतलब वो डर वो सब चीजें खत्म हो गई कि नहीं मतलब, क्योंकि जैसे एक सिंपल सी बात है अगर आप स्वधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप हार नहीं सकते, मतलब आप जितना भी आगे जा रहे हैं अपने अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और अगर परधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप जितना भी चल रहे हैं आप अपने से दूर जा रहे हैं, अपने गोल से दूर जा रहे हैं। तो ये हम लोग को ना क्लैरिटी हमें देखना होता है कि हमारा जो पाथ है, क्योंकि देखिए लाइफ में ना हम लोग कई बार ना परेशानी से डरते हैं, मतलब कि कौन से रास्ते पे कम परेशानी है, दिस इज द स्टूपिड वे, मतलब क्योंकि मतलब देखिए जितना जैसे अब तो ठीक है मेरा काफी एक्सपीरियंस हो गया, मैंने कई लोगों को हेल्प किया उनकी लाइफ में, मैंने एक चीज देखा है कि जो परेशानी से जितना भागता है उसके वो अपनी लाइफ में परेशानी को उतना बढ़ा लेता है, और जो परेशानी से नहीं डरता है उसकी लाइफ में ना परेशानी सरेंडर कर देती है।